अगले दोनों इकट्ठे कर लेना फिर। कहता है ये स्प्रिंग 12 का सवाल है, लिस्ट द पर्सन, सॉरी ये स्प्रिंग 12 का नहीं है, स्प्रिंग 21 का सवाल है, इसको सही कर लीजिएगा। लिस्ट द पर्सन और इनकम्स दैट आर अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल, ऑल्सो स्पेसिफाई द कंडीशन लिमिटेशन विच आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल फॉर अवेलिंग द सेट टैक्स क्रेडिट, इग्नोर क्रेडिट अवेलेबल टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये हम पढ़ के आगे थे कि वो लोग जो कॉल में और पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ में लगते हैं, या स्टार्टअप जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एफिलेटेड है, और 2025 तक उसके अगर एक्सपोर्ट्स 80% है तो उसे क्या मिलेगा, 100% टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा। अपने वो रिटर्न फाइल करेंगे, विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाएंगे, सेल्स टैक्स जमा कराएंगे, उसके ऊपर ने क्या मिल रहा होगा, टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा होगा। जो सिंपल सी बात है इस पर हमें लेके चलनी है। ऑटम 21 का सवाल है, इसको हम देखते हैं। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस हाउ द अबव लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हर अफोर्सेड इनकम, ऑल्सो डिस्कस द अमाउंट ऑफ लॉसेज दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट हर फ्यूचर इनकम। अब यहाँ पे लिखा है डिस्कस, क्या वर्ड लिखा हुआ है, डिस्कस। थ्रेटिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट आपने कुछ भी नहीं करना, ये सारा क्वेश्चन कौन सा है आपका, थ्रेटिकल है। कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एमएस आयशा फॉर टैक्स ईयर 2021, इसकी इनकम जो है डैट इज़ फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कितने की है, 15 मिलियन की है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 मिलियन की है। गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी 2.5 मिलियन का है। गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी जो है वो 4 मिलियन का है। फिर इसका है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 4.5 मिलियन का है। लॉस ऑन शेयर ऑफ एक प्राइवेट कंपनी शेयर, लॉस ऑन शेयर ऑफ एंटीक, लॉस ऑन शेयर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। तो ये इसने हमें बताया, हमने बताया कि लॉस सेट हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें लॉस की, स्पेकुलेशन का हम लॉस पढ़ के आ चुके हैं, स्पेकुलेशन के अगेंस्ट ही होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 4.5 मिलियन का जो है ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नहीं हो सकता, इसे हम क्या करवा लेंगे, कैरी फॉरवर्ड करवा रहे होंगे, डन। फिर है हमारे पास लॉस ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये 3.6 मिलियन का, ये 37 में कैपिटल लॉस बनता है। तो कैपिटल लॉस जो है वो कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही क्या हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है। हमारे पास ऊपर गेन ऑफ ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी कैपिटल गेन है, तो 2.5 में से 3.6 हम क्या करेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे, रिमेनिंग हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक है 38 है, इसका लॉस तो एडजस्ट नहीं हो सकता। लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी 4 है, लिस्टेड पे गेन भी हमारे पास जो है और हमारे पास वो क्या है, लॉस भी है, तो 4 से 6 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 2 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अप टू 3 सब्सिक्वेंट ईयर। और जो लॉस है एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम का, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता, ना तो वो एडजस्ट हो पाएगा, ना ही वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर लॉस ना होता ना, फिर मैं इसको ऊपर जाके नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट करवा सकता था। अभी इसने चूंकि एग्रीकल्चर लॉस कह दिया, इसलिए एडजस्ट नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर इनकम का लॉस जो है वो एडजस्ट नहीं होता, बिकॉज इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अगर वैसे अदर सोर्स की इनकम होती तो मैं इसको नॉन स्पेकुलेशन से क्या करवा सकता था, एडजस्ट करवा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो क्या होगा, ख़त्म होता है लॉसेस का। तो लॉसेस के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे पास्ट पेपर में कुछ यही हैं जो हमने सॉल्व करने थे।